kao que. सेब खट्टे हेलो नमस्कार वालेकुम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम दिस इज मोहम्मद सलीम खान वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके व्लॉग्स वेलकम टू टेक की बात एपिसोड नंबर 1 में टेक की बात एक सीरीज हमने नया नया शुरू किया नया साल है सब कुछ नया नया करेंगे तो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं तो टेक की बात हमने एक सीरीज चालू किया जिसमें हम टेक्निकल चीजों से रिलेटेड बात करेंगे मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कैमरा है ड्रोन है और काफी ऐसे टेक्निकल नॉलेज दिमाग में रखा हूं क्या करूंगा उसका आपको देना पड़ेगा और ये जो टेक की बात नाम हमने रखा है ये आप लोगों से पूछ कर रखा है हमने सजेशन लिया था आपसे सरकार जो है कभी हमसे पूछती नहीं है बस कुछ भी कर देती है माफ करना मैं ऐसे बात करते करते इधर उधर भटक जाता हूँ तो ये हमारी कम्युनिटी है आप लोगों ने लाड़ दुलार कर 1 मिलियन पहुंचाया आप लोगों ने प्यार दिया है और अपने सर पे चढ़ा दिया है तो वो सर पे चढ़ाने का नतीजा ये हुआ है कि ब्लॉग अभी टाइम पे नहीं आते हैं तो मैंने आप लोगों से सजेशन लिया था मैंने अपने इंस्टाग्राम कम्युनिटी से पूछा था मैंने ट्विटर कम्युनिटी से पूछा था और यूट्यूब की कम्युनिटी से मैंने एक स्टोरी बना के पूछा था तो काफी सारे सजेशन आए थे और ज्यादातर सजेशन थे टेक्निकल नाम से टेक्निकल सर्च करता हूँ यूट्यूब पे तो इतने सारे टेक्निकल नाम हैं हमारे टेक्निकल गुरुजी भी हैं टेक्निकल और भी बहुत सारे नाम मुझे मिले थे उसमें फिर दूसरा नाम मुझे जो पसंद आया था वो आया था टेक विथ एमएसके तो मैंने टेक विथ सर्च किया उसमें भी काफी सारे नाम थे और फाइनली टेक की बात हमने फाइनलाइज किया क्योंकि हमारा एक सीरीज सक्सेसफुली चल रहा है काफी सालों से आपकी बात जिसमें हम Q&A वीडियो करते हैं सच बात Q&A वीडियो करते हैं उसी तरह से अभी एक टेक की बात जहां पर हम लोग टेक की बात करेंगे ऑलराइट जो अगर आपने सजेशन दिया था टेक की बात अगर आपका नाम नहीं आया तो बुरा मत मानिएगा मैं देखा नहीं रहूंगा बट थैंक यू अंदरूनी थैंक यू आपको लेकिन जिनका मैंने देखा था टेक की बात सजेस्ट किया गया था यूट्यूब कम्युनिटी से है सरब दादिया राज सिंह टेक की बात एमएसके के साथ ट्विटर कम्युनिटी से साहिल शेख थैंक यू मेरे भाई नाम सजेस्ट करने के लिए ये सीरीज और मैं आपका आभारी रहूंगा ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन देखें पीछे बैकग्राउंड देखा जैसे मैंने हाथ ऐसे किया ये चालू हो गया ये मेरे इशारों से चलता है तो देखो बंद भी हो गया अब मुझे कैसे पता ये है मैजिक पहले से तैयारी चल रही थी हमारी टेक्निकल वीडियो बनाने की ऑलराइट तो अपनी टेक की बात हम शुरू करेंगे आज हमारे पास है LG G8 X ThinQ क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है और टेक की बातें हम कर रहे हैं हमारे चैनल में तो हमने सोचा था कि इसको हटके करेंगे और टेक्निकल वीडियो जो होता है उसमें अनबॉक्सिंग होती है तो ये वाले टेक्निकल वीडियो में हम अनबॉक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हटके करना है हमें ऐसा कुछ नहीं है जब ये फोन मेरे पास आया था मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको यूज करने के लिए तो मैंने फटाफट बिना कैमरा ऑन किए इसको अनबॉक्स कर दिया पिछले 2 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ काफी सारी चीजें मुझे इसमें पता चली है इंटरेस्टिंग चीजें हैं और वो सारी चीजें मैं शेयर तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाएगी लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टा कोर विथ 6GB रैम मतलब कि मक्खन की तरह चलेगा ये एंड इसमें इंटरनल स्टोरेज है 128GB का 4000mAh का बैटरी और क्या इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए एंड्रॉइड 9 है इसमें एंड्रॉइड पाई बस हो गया आज का हमारा टेक्निकल वीडियो खत्म पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है आपको मिलता है एक फोन इसका डुअल स्क्रीन मैग्नेटिक अडैप्टर टू चार्ज मोबाइल LG फास्ट चार्ज अडैप्टर सी टाइप केबल ईयरफोन सिलिकॉन केस सिम ट्रे पिन एंड डॉक्यूमेंटेशन इस फोन का जो मेन USP है वो है इसका डुअल स्क्रीन ये एक एक्सेसरीज की तरह है इसको हम अटैच करके यूज कर सकते हैं और डिटैच करके इसको हम साइड में भी रख सकते हैं तो ज्यादातर बात हम करेंगे आज ये डुअल स्क्रीन के बारे में कि इसका क्या क्या यूज है कहां पर ये एडवांटेज है कहां पर ये डिसएडवांटेज है और क्या डुअल स्क्रीन फोन मार्केट में चलेंगे या नहीं चलेंगे ये सब के बारे में हाँ हम आज बात करेंगे अब हम करेंगे डुअल स्क्रीन को अटैच ये एक अलग फोन है ध्यान रखिएगा ये फोन नहीं है ये इसका एक्सेसरीज है जब ये इस पे लगेगा तब ये काम करेगा और जैसे ये लग जाएगा तो आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि आपके पास एक नहीं बल्कि 2 फोन है आइए अटैच करते हैं बहुत सिंपल है इसमें USB-C टाइप पोर्ट है और यहां पर ऐसे सिंपली हो गया यहाँ पर मैंने डुअल स्क्रीन वाला फंक्शन बंद करके रखा था क्योंकि काफी रिसर्च चल रही थी तो अभी ये बन चुका है 2 फोन यहाँ पर एक स्क्रीन है और यहाँ पर सेम टू सेम स्क्रीन है ये जो डुअल स्क्रीन है ये
360 रोटेट भी होता है। जैसे ही 360 रोटेट हो जाता है तो इसका ड्यूअल स्क्रीन काम करना बंद कर देता है एंड सिर्फ एक ही स्क्रीन चलता है। जब हम इसका ड्यूअल स्क्रीन अटैच कर देते हैं और उसके बाद हमें मोबाइल को चार्ज करना होता है तब काम आता है ये छोटा सा मैग्नेटिक अडैप्टर। और ये काफी मजेदार भी है। फोन पर एक छोटा सा आइकन आपको दिखेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करते हैं। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ड्यूअल स्क्रीन के लिए हैं। इस पर स्वॉप स्क्रीन्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेटफ्लिक्स ऑन करता हूँ, इस बटन से स्वॉप कर देता हूँ, वो वहां पर चले जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट भी है, तीन उंगलियों से अगर आप ऐसे करोगे तो भी ये यहां से वहां हो जाएगा। इसमें एक चीज और है, जब हम ब्राउजर ओपन करते हैं तब ये दिखाता है, वो है वाइड व्यू। जैसे वाइड व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हमें कोई आर्टिकल रीड करना है तो इस तरह से हम रीड कर सकते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में मल्टीटास्किंग करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सुबह सुबह उठते हैं, बॉटल भी भरते हैं और साथ में ब्रश भी करते हैं, ऐसे लोग, मजाक कर रहा था यार, मल्टीटास्किंग के लिए ये फोन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर मैं कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियो देख रहा हूं और एक दूसरे स्क्रीन पे मैं उसका नोट भी बना रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मुझे मिला इसमें जब मैं रिसर्च कर रहा था। इसमें एक तरफ आप अपने दोस्त से चैट कर रहे हो और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम ओपन है और आपने देखा कि कोई एक अमेजिंग पिक्चर है जो कि आपको अपने दोस्त को शेयर करना है, तो स्क्रीनशॉट खींच कर फिर उसको अटैच करके भेजने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक फंक्शन है ये, इस पर क्लिक करो, जो ड्यूअल स्क्रीन पे चल रहा है वो सेम टू सेम एक क्लिक पे स्क्रीनशॉट चला जाएगा। जितना मैंने फोन को यूज किया पिछले दो दिनों में, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फोन गेमर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि एक स्क्रीन पे गेम चलता है और दूसरे स्क्रीन पे गेम को कंट्रोल करने के लिए गेमिंग पैड। एग्जांपल के लिए पबजी, मैं पबजी खेलता नहीं हूं लेकिन कल यहां पर समीर पधारे थे, उनसे हमने पूरा ये सेटिंग करवाया पबजी का और उनको बोला कि खेल के देखो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं उतना खेलता नहीं हूं, मुझे नहीं पता विनर विनर चिकन डिनर क्या होता है, तो कल वो खेल रहा था और उसने बताया कि उसका एक्सपीरियंस। इसमें एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, मगर मेरे हिसाब से 90% एडवांटेज है और 10% डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? कुछ कुछ ऐसे बटन्स हैं जो हमें स्क्रीन पे यूज करने पड़ेंगे दबा के। 10 में से कितना नंबर देगा तू गेमिंग पैड को? 10 में से 8। जब खेलते हैं तो गेमिंग पैड के ऊपर, गेम के ऊपर ही सारा कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन वही चीज अगर अलग से दे और पूरा का पूरा स्क्रीन खाली हो तो एक्सपीरियंस बहुत सही हो जाता है। ये जो गेमिंग पैड की वजह से हमारा फिंगर जो है गेमिंग पैड पे आ गया है। और जो बात रही व्यूज की, जो पूरा स्क्रीन यूज हो रहा है पूरा मैप देखने के लिए, वो हमारे को फ्री हो गया। हेल्प मांग रही है। ये मैंने PUBG मोबाइल ऑन कर लिया है, यहाँ पर है ये सारे गेमिंग पैड, तो ये डिफॉल्ट हैं। ये जो बनाया गया है ये हमने कल कस्टमाइज किया था। यहाँ पे हमारा फायर बटन है, दो फायर बटन लिए क्योंकि PUBG दो फायर बटन देता है लेफ्ट एंड राइट, तो हमने यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे फायर बटन इसके नीचे है, फिर उसके बाद में ये जॉयस्टिक हम यहाँ पे रखे हुए, फर्स्ट गन यहाँ पे, सेकंड गन। गेम के हिसाब से आप अपना गेमिंग पैड सेट कर सकते हैं, ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। इस फोन का कैमरा टेस्ट करने के लिए हम लोग बाहर गए थे और जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं। जब मैं फोटो क्लिक कर रहा था तो एक चीज नोटिस किया, जैसे मैंने गैलरी बटन पे क्लिक किया तो उसका प्रीव्यू जो फोटो हमने क्लिक किया सेकंड स्क्रीन पे दिख रहा था। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये फोन ड्यूअल स्क्रीन के साथ मैं लेके घूम नहीं सकता, बिकॉज जैसे इसको पॉकेट में रखते हैं बड़ा बड़ा सा दिखता है। एडवांटेज ये है इसमें कि ये डिटैचेबल है, तो जो नॉर्मल फोन है उसको आराम से लेके घूम सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये हिडन फीचर है, जैसे मैं बार बार अपने बाल देखते रहता हूँ कि बाल ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर जो ये वाला स्क्रीन है ये मिरर रिफ्लेक्शन आता है इस पे, तो इस पे मैं अपने बाल देख सकता हूँ। और अगर कोई ब्यूटी ब्लॉगर है उसके लिए तो बल्ले बल्ले। इसका जो ड्यूअल स्क्रीन है इसको एज अ स्टैंड भी हम यूज कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए या फिर कोई मूवी देखने के लिए। इससे पहले मैंने जितने भी ड्यूअल स्क्रीन वाले फोन देखे थे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो इनोवेशन है ये मार्केट में चलेगा और ऐसे काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके LG आ रहा है मार्केट में। सो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था। आई होप आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने कोई ऐसा वीडियो बनाया, तो मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ जनता जनार्दन। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा,
कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए था, क्या और करना चाहिए, बिकॉज मैं मतलब टेक्निकल वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन टेक में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मतलब ड्रोन, कैमरा, और मतलब मैंने बहुत कीड़े किए हैं. तो आप बताना कि क्या आपकी राय है. मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करो. बस आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ अ डे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज. लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम. बूम. तब काम आता है ये छोटा सा मैग्नेटिक अडैप्टर. अरे जैसे ये अटैच हो जाता है तो आपको मिलता है एक फोन का दो मजा. नहीं.